Hyderabad International School CBSC plus exceed syllabus, which is followed in eight countries, modern plus Islamic education. फाइव स्टेप एक्टिविटी प्ले वे मेथड लॉन्चिंग सेपरेट ब्रांचेस फॉर गर्ल्स एट मोगलपुरा एंड असलामीक नाजरीन आप सबका खैर मकदम है ए एटीन तेलंगाना न्यूज आरोप आज चार अगस्त मैनेस्डे का दिन है आई नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें उत्तर प्रदेश की सियासत में आएगा नया ट्विस्ट हाल ही में एसबीएस पार्टी लेजिस्लेटर और फॉर्मर एआईएमआईएम के साथ अलायंस करने वाले ओम प्रकाश राजभार ने ट्यूसडे के दिन बीजेपी स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट स्वतंत्रा देव सिंह से मुलाकात की उनके घर पर इस इजलास का मकसद बताया जा रहा है कि अचानक उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्विस्ट या तब्दीली होगी इंडिया भर में दोबारा कोविड 19 केसेस में इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटों में इंडिया में बयालीस हजार कोविड 19 से मुतासरी मरीज दर्ज किए गए और पाँच लोग की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में कोविड 19 से मुतासर होकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया झारखंड हाई कोर्ट ने ट्यूजडे के दिन सीबीआई को हिदायत दी कि जज की मौत के ताल्लुक से तईत का आगाज करे ताकि जज की मौत के तालुक़ से सबूत गैर कानूनी तरीके से मिटाया ना जा सके साथ ही झारखंड सरकार ने एसआईटी को भी तैखात करने के ऑर्डर्स दिए इस केस के सिलसिले में लेकिन बाद में इस केस को सी के हवाले दे दिया गया वाज़ नाजरीन जज उत्तम आनंद का कत्ल किया गया था उनकी ऑटो रिक्शा से टक्कर हुई और बेरहमाना अंदाज में उनका कतल कर दिया गया जुलाई 28 की सुबह को जब वो वॉक पर निकले थे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी यूएई ने ऐलान किया कि इंडिया शहरी के मुसाफरीन पर पाबंदियां कम कर दी जाएगी लेकिन दिगर पांच देशों के मुसाफिरों पर पाबंदियां जारी रहेगी और उन्हें यूएई में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी अथॉरिटीज ने ट्यूसडे के दिन ऐलान किया तुर्की आग की चपेट में तुर्की जलकर तबाह हो गया था लेकिन तुर्की ने हार नहीं मानी और फैलती आग से अपनी जंग जारी रखे हैं। वाज रहे नाजरीन तुर्की में पिछले हफ्ते फैलती हुई आग लगी सौर्तन और साउथ वेस्ट कोस्टल में फिलहाल सात इलाकों में आग लगी हुई है उन्हें बुझाने का काम जारी है ऑफिशियल्स ने कहा उन्होंने कहा एक तुर्की के जिलों में आग लगी थी जिसमें एक जिलों पर काबू पाया गया पिछले पांच दिन के अंदर और दीगर सात जिलों की आग पर काबू पाने का काम जारी है एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री मिनिस्टर बीके ने कहा मंडे के दिन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और मलिंदा फ्रेंच गेट्स ने डिवोर्स के कागजात तैयार कर लिए हैं वाज नाजरीन बिल गेट्स और मलिंदा ने मई के महीने में ऐलान किया था कि इन दोनों के बीच शादी के रिश्ते को ख़त्म किया जाएगा सत्ताईस साल के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें अब भरोसा नहीं है कि वो साथ आगे बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में शादी के रिश्ते में रहकर इसलिए दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं इंडिया में कोरोना वायरस के कहर के बाद इंडिया धीरे धीरे ठीक होते हुए नजर आ रहा है कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर खौफनाक था उससे भी इंडिया ठीक हो रहा है और बताया गया कि इंडिया तैयार है कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना करने जल्दी शायद इंडिया भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने मिलेगा बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर देखी जा सकती है तीसरी लहर के दौरान शायद इंडिया में एक लाख के अंदर या एक लाख पचास हजार लोग कोविड नाइन्टीन से मुतासर हो सकते हैं रिसर्चर्स ने बताया डेल्टा वेरिएंट का कहर अफ्रीका में बताया जा रहा है कि अफ्रीका में 80 फीसद लोग डेल्टा वेरिएंट से मुतासर होकर उनकी मौत हुई सिर्फ एक महीने के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोरोना वायरस के सबब अफ्रीका में अचानक मरीजों की मौत की गिनती में इजाफा हुआ है सिर्फ चार हफ्तों में यानी एक महीने में 80 फीसद लोग डेल्टा वेरिएंट का शिकार होने से मर गए पिछले एक महीने में फ़िलहाल मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में डेल्टा वेरियट के सब मौत की गिनती नवासी फीसद हो गई है तेरह हजार दो सौ बयालीस से चौबीस हजार नौ सौ लोग की मौत हुई पिछले अट्ठावी दिनों में